जी गाइस, क्या हाल है। मैं आपका छोटा भाई देश दोबारा आ गए हैं नया टॉपिक लेके। टॉपिक तो वही पुराना है। मेरे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स या फिर मेरे जो इंस्टा मुझे देखते हैं, मुझे रोज डीएम कर रहे हैं कि मतलब मैंने जो अपना। जी गाइस, क्या हाल चाल है। एक और नई सुबह, बाकी कल मैंने आपके लिए वीडियो डाली थी, जरूर चेक करना, ब्लॉग पूरा देखना। अब मैं ब्लॉग भी छोटे छोटे बनाता हूँ, 7-8 मिनट का, हेल्प इतने ही करनी है, पेज सब्सक्राइब पर आना है, ब्लॉग पूरा देखना है, कोशिश करना कि थोड़ा सा टाइम दे सको भाई को। बाकी मेरी फर्स्ट सुबह खड़ा होती है तो मैं नारियल पानी पीता हूँ या एप्पल साइडर पीता हूँ, कुछ भी पी सकते हो। थैंक यू। गाइस, क्या हाल चाल है। थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत आएगी, बाकी आज अपना जम लगा के बोलेंगे, एक दो दिन में माइक आ जाएगा। बैक की वर्कआउट करना है जबरदस्त। पता क्या चीज़ है, ये चीज़ ना आपको अगर किसी को लाइफ ख़राब करनी है ना, किसी की लाइफ ख़राब करनी है तो उसको दे दो, ये बहुत प्यार से उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब मेरे भाई की जो भाई है जो लेते हैं, जो ले रहे हैं, अब वो छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ना वो बोझ बन गया, मतलब वो जीने का सहारा हो गया, वो छोड़ना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं पा रहे। आवाज़ का थोड़ा सा इशू आएगा, एक दो दिन रुक जाऊँगा, माइक में आने वाला है, बाकी बढ़िया से दोबारा स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ खुल के बताएंगे। अब हम टॉपिक कर रहे थे तो मैं सभी भाइयों को यही बोलना चाहूँगा, देखो अगर आपको ये चीज़ छोड़ दी है ना, आपको दूर जाना है, तो आपको कोई ऐसा ट्रेनर, कोई ऐसा आपका दोस्त कोई नहीं छुड़वा सकता जब तक आपके अंदर खुद के अंदर विल पावर नहीं हो। पहले आपको खुद के अंदर विल पावर लानी पड़ेगी, आपको खुद जीना है, खुद के लिए करना है, तो उन सबसे दूर होना पड़ेगा। सब मेरे को बोलते हैं कि भाई बताओ मुझसे पैसे ले लो, कि ऐसे करूँगा। यार देखो, मैंने तो अपने दिल की बात इसलिए सबके आगे रखी थी कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ ना, या जो मैंने अपनी बॉडी ख़राब करी, मैं 2-3 साल लाइफ के पीछे गया, तो कोई भी जाए, मैं मानता हूँ अगर मैं 2-3 साल अगर मैं ये चीज़ नहीं लेता ना, तो मैं आज कुछ और ही मेरा रिजल्ट होता। मैं अब खुल के आपके सामने एक तरीके से आया हूँ, मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मेरी वीडियो वायरल हुई, मैं खुद मैं ना काफ़ी टाइम से भरा बैठा था। मुझे ऐसा लगता था कि यार तूने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत किया, जो नया यूथ आ रहा वो खराब ना हो। तो मैं सबको यही बोलूँगा, अगर आपको इस चीज़ से गिवअप करना है, इस चीज़ को छोड़ना है ना, आपको सबसे पहले अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा। जो आपके सारे फ्रेंड सर्कल भी सब ले रहे हैं ना, देखो आप कोई आपके मुँह में कोई चीज़ नहीं डालता। जैसे मान लो कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोकिंग करता है, वो कहता है ना मेरे दोस्त, तो आप जब उसके पास जाओगे ना तो ही आप लोगे। अब कई बंदे होते हैं वो कहते हैं यार मेरे को दोस्त ने कसम दे दी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं प्री भी नहीं लेता था, मुझे किसी दोस्त ने बोला यार ले ले, मेरे उसके बाद मैं ऐसा नीडी हो गया इस चीज़ का, मैं खुद ही मांगता था। तो कोई भी मेरा भाई इन चीज़ से दूर जाना चाहता है ना, सबसे पहले ना अपनी फैमिली को देख ले, कोई मैरिड है तो अपनी वाइफ को देख ले, अगर कोई बच्चों वाला है तो अपने बच्चों को देख ले, अगर वो चाहता है ना अपने बच्चों को देख पाए, वो स्कूल पढ़ता हुआ, उनको स्कूल के छोड़ के आना, या फिर उनको जीता हुआ, तो उस चीज़ से अपने आप दूर हो जाएगा। देखो हमारी जो लाइफ है ना, पता है कई सदियों बाद पता नहीं चले हमारा अगला जन्म कीड़े मकोड़े का मिल रहा है, ये मेरा डायलॉग बन गया। बाकी कि अगर हमें ये जो मिला है ना जन्म, तो ये भाई ये इसी बार मिला है, कल को पता नहीं हम क्या बन जाए, तो इसको इतना एक्सपेंसिव लगाना। शरीर है ना आपके पास, अगर आपके पास शरीर है तो आपके पास सब कुछ है, समझ रहे हो। अगर आपके पास शरीर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप अपना सर्कल छोड़ दो,
अपनी फैमिली को बताओ, जैसे आप जिसको मानते हो ना, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके फादर मदर हो, आपकी वाइफ हो, उसको खुल के बताओ कि मैं ऐसे ऐसे खुद को खराब कर रहा था, पर मैं जीना चाहता हूँ और मैं इन सब चीजों से दूर जाना चाहता हूँ, तो मैं मेरे को ना ऐसे छूट देखो। अब मैं बोलूंगा नशा मुक्ति केंद्र क्यों बने हैं, नशा मुक्ति केंद्र इसलिए बने हैं जो ना जिनका खुद पे काबू ही नहीं है, जिनसे जिनकी फैमिली खराब हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, वो तंग आ चुकी है, जरूर उनको बंद करते हैं, पर अभी आपका ऐसा हाल नहीं है ना, तो आप क्या करो, आप कुछ टाइम अपने उन सर्कल से दूर चले जाओ, उनको ब्लॉक मार दो, सिर्फ अपनी फैमिली के पास रहो, अपना अच्छा हेल्दी खाओ। मुझे पता है आपको टाइम लगेगा। देखो जो जिम इंस्ट्रक्टर है या जिम ओनर है जो ये सब चीजें लेते हैं, समझ रहे हो, मैं उनको ये नहीं बोलूंगा आप अपनी जिम बंद कर दो, बस मैं ये बोलूंगा कुछ टाइम के लिए आप अपनी वर्कआउट करनी रोक दो, कुछ टाइम के लिए अपनी साइकिल रोक दो, कोई भी गेनिंग कटिंग की साइकिल चला रहे हो, और सिर्फ अपना हेल्दी खाओ और ऐसे दोस्तों के साथ रहो। जो पता है क्या होता है, जब हम ये चीज लेते हैं ना, तो हमें जो लोग मतलब बोलते हैं ना मत ले, वो लोग तो नेगेटिव रखते हैं, और जो लोग बोलते हैं ले वो पॉजिटिव रखते हैं। हम रोज उनको फोन उठ के, मेरे साथ क्या था, मैं रोज फोन ला जाता था, मैं अपने जिम नहीं जाता था, फोन ला जाता था, हाँ भाई आज आप 9 बजे जिम पहुंच रहे हैं, हमारे ना पिकनिक, मैंने ना ये अपने लाइफ की 1.5-2 साल ना पिकनिक बना दिया, देखो ना घूमने के लिए जा रहे हैं, लेंगे इतना वेट मारेंगे, इतना वेट मारेंगे, ये आपको ना अंदर से खस्सी से बोलते ना खत्म कर देता है। ये तो मेरे माँ बाप ने, मेरी वाइफ ने मतलब ऐसी मेरे को डाइट खिला रखी थी कि जो मैं बच गया। तो मेरे भाई लास्ट वीडियो को एंड करते हुए आपको यही बोलूंगा, आप अपने पे ध्यान दो, अपना एक गोल सेट करो कि मेरे को आने वाले 6 महीने में ये चीज करनी है, तो आप अपने आप कर जाओगे। आप अपने आप मिरर में किसी को नहीं बता पाओगे ना, तो मिरर में बैठ के बात करो कि भाई तेरे को जीना है। ये टुच्ची चीजें हैं, पता है नशा क्या होता है, टुच्चे काम होते हैं। कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है, कोई स्मोक कर रहा है, कोई गांजा पी रहा, वो टुच्चे काम कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब वो लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता, वो अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है। उसको भगवान ने जन्म दे के भी ना गलती कर दी, मेरे लिए वर्ड वो है, जो अपने लाइफ को खराब कर रहा है ना, तो उसका जीवन खत्म है, मतलब भगवान ने भी गलती करी कि हमने इसको नीचे भेज दिया। तो आप ऐसा काम मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, सबसे बड़ा मेरा डायलॉग है तगड़े होने पर ध्यान दो। अगर आप अपने ऊपर आप खुद से प्यार, सबसे पहले आप खुद से प्यार हो जाएगा ना, तो आप इन सब चीजों से दूर निकल जाओगे। वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी आपके अंदर और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को डीएम करें सुधा रितेश पे। आज मैंने वर्कआउट करी है, बाकी मैं बड़ा ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो मैं रोज रोज ब्लॉग बनाऊंगा, परेशान होंगे, आपको वहां से क्लियरिटी नहीं आएगी। बाकी 22 या 23 तारीख को मेरा कन्फर्म है, मेरा माइक आ जाएगा, उसके बाद आपको रोज नई न्यू वीडियो मिलेगी। बाकी आजकल मैं शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, देखो मैं चाहता हूँ आप उसको देखो, मैं रोज नया क्लिप डाल रहा हूँ आपके लिए कि आप उसको देखो, कुछ ना कुछ वर्कआउट सीखने को मिलेगा। जो भी मेरा बिगनर फ्रेंड या मेरा इंस्टा फैमिली का कोई भी मुझे देख रहा है, तो उसमें रोज डालता हूँ। आज मैंने जो डाला है, आज बाइसेप का डाला है, मैं अपने आपको कल वीडियो मिलेगी, बाइसेप किया करवाया मैं अपने स्टूडेंट को। जो भी बिगनर है जो वर्कआउट करना चाहता है, तो उसको देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी वीडियो यही खत्म करते हैं, थैंक यू जी गाइस, निकल रहे हैं, एंड हो गया। बाकी कल सुबह ना रनिंग करने जाएंगे, रनिंग करेंगे, कल छुट्टी है, तो यार 1 किलो ना वेट बढ़ गया मेरा। अब मैं थोड़ा कार्डियो वीडियो ट्यूब की वजह से ना एडिटिंग में लगा रहता हूँ, थोड़ा कार्डियो पे कम ध्यान दे रहा हूँ। बाकी कल रनिंग करने जाएंगे, आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा, बड़ी ज़बरदस्त पूरा दिखाएंगे कैसे स्प्लिंट मारूंगा, कैसे क्या क्या करूंगा। मैं सुबह की तरफ जाऊँ, सुबह जाऊँगा मैं 5:30-6 बजे, कल संडे भी है ना, और बाकी शाम को वर्कआउट जरूर करने आएंगे। क्या करेंगे और कैसे करेंगे आपको अगले व्लॉग में मिलेगा, लोग एंड नहीं करेंगे, लास्ट मील आपको दिखाएंगे, फिर एंड करेंगे, घर चल के मिलते हैं आपको, थैंक यू। हाँ जी गाइस, क्या हाल है, ये मेरी लास्ट मील ऑफ द डे है। मैं पूरे पूरे दिन मील इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि सेम मील रहती है मेरी, कटिंग में चल रहा हूँ। बाकी जब तुम्हारा भाई ऑफ सीजन पे जाएगा, गेनिंग करेगा, नेचुरल गेनिंग करेगा, तो बिल्कुल दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, क्या क्या अपने गेनिंग में ऐड कर सकते हैं मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए, सबके लिए, उसका कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे पूरे पूरे दिन का शेड्यूल, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, सब कुछ। बाकी कल संडे है, कल मैं जिम नहीं जा सकता, जिम तो मेरी खुद की है पर काफ़ी दूर है, 15-17 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो इसलिए कहीं पार्क में चलेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे सब दिखाएंगे। वीडियो को ना एंड करते हुए, बड़ी करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।